Welcome in the class of ECPIT departmental examination. Today we will discuss about the different kinds of leave. तो सबसे पहले जो ले रहे हैं हम लोग वो casual leave के बारे में देख रहे हैं ना। casual leave जब भी आप एक मंथ पूरा करते हैं तो उसकी एक है, यानी कि पूरे साल में अगर 12 महीने हैं आप काम किया है तो आपको 12 casual leave मिलेंगे, ठीक है। और 12 casual leave के लिए ध्यान रखना है आपने कि आप एक स्पेल में मैक्सिमम 5 कैजुअल लीव ले सकते हैं, एक साथ 5 कैजुअल लीव ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपने ये ध्यान रखना है कि कैजुअल लीव को किसी और लीव के साथ नहीं जोड़ सकते आप, एक्सेप्ट स्पेशल कैजुअल लीव। स्पेशल कैजुअल लीव के साथ आप लोग कैजुअल लीव को जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके अलावा कैजुअल लीव को किसी भी और लीव के साथ हम लोग नहीं जोड़ सकते, ठीक है। लीव की जहां तक बात करें तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस तरह की लीव भी आप वीडियो को देते हैं, चाहे आप कैजुअल लीव दे रहे हैं, आर्न लीव दे रहे हैं या और किसी प्रकार की लीव दे रहे हैं, तो आपका जो वीडियो है उसमें किसी प्रकार की कोई अल्टर नहीं कर सकते, आपको नहीं बोल सकते कि आप दूसरे का प्रकार की कोई लीव लीजिए, ठीक है। जिस प्रकार की आपने लीव ली है केवल आप उसी प्रकार की जो अप्लाई की है आपने उसी प्रकार की लीव के लिए आप लेंगे, उसी प्रकार लेंगे, ठीक है ना। अब आप चाहते हैं कि मैं चेंज करना चाहता हूं, जो मैंने लीव ली है वो चेंज करना चाहता हूं, मैं कोई भी लीव ली है, तो जब भी आप कोई भी एक छुट्टी काट कर आते हैं उसके बाद जब ज्वाइन करते हैं तो आप विद इन 30 डेज आपको अपने डीडीओ को अप्लाई करना होगा कि मेरी जो ये छुट्टी है ये दूसरी छुट्टी में आप कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। अभी बात समझो, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अर्न लीव, ठीक है। अर्न लीव जो दी जाती है वो रेगुलर एम्प्लॉयज को दी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज को या एडहॉक को या कोई भी डेली बेसिस पर लगा है उसको नहीं दी जाएगी, अर्न लीव नहीं दी जाएगी। अर्न लीव जो है वेकेशन और नॉन वेकेशन दोनों जो है डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, दोनों जो कैटेगरीज है उनके लिए अलग अलग दी जाती है। वेकेशंस के लिए जो है 10 हाफ ईयरली में और नेक्स्ट 10 हाफ ईयरली में दी जाएंगी, यानी कि टोटल साल की उसको 20 दी जाएंगी, ठीक है। और जो नॉन वेकेशन वाले हैं उनको जो है 30 दी जाती है, यानी कि 15-15 उनके खाते में क्रेडिट, ठीक है। ईएल के लिए आपने ध्यान रखना है कि ईएल जो है हमेशा जब पूरा मंथ कंप्लीट होगा ना तभी दी जाएगी, ठीक है। अगर पूरा महीना कंप्लीट नहीं होगा तो आप ईएल नहीं देंगे उसको ना, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर 1 तारीख को आपने ज्वाइन करा है किसी भी महीने में और पूरा महीना लगा रहे हैं 30 तारीख तक, ठीक है, 1/4 होना चाहिए, तब तो आपको उस महीने की पूरी अर्न लीव मिलेगी, जो भी उस रेशो में जिस रेशो में भी अर्न लीव बन रही है। अगर आप एक आफ्टरनून को भी ज्वाइन कर रहे हैं ना तो उस महीने की आपको अर्न लीव नहीं मिलेगी। और उसी रेशो में वेकेशंस वाले के लिए 6 महीने के लिए बन रही है, तो जितने महीने के लिए आप अप्लाई मतलब आपने काम किया है जैसे 10/6 हो जाएंगी, ठीक है, तो उतने महीने की ही निकाली जाएगी अर्न लीव, उतने महीने की दी जाएगी, ठीक है, लेकिन पूरा महीना कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अर्न लीव ले किस बेस पे सकते हैं हम लोग। अर्न लीव या तो प्राइवेट अफेयर्स पे या मेडिकल ग्राउंड पे हम लोग ले सकते हैं, और अर्न लीव की इनकैशमेंट मिलती है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, और मैक्सिमम जो होती है वो 300 डेज की आप जो है इनकैश करा सकते हैं। अगर 300 डेज से ज्यादा का आपकी अर्न लीव जुड़ रही है तो वो आपकी सर्विस में एंटर ही नहीं होगी, ठीक है, वो तो लैप्स होती चली जाएगी, उसका कोई फायदा नहीं होता है, ठीक। अर्न लीव को जो है ना एलटीसी के लिए भी, जब एलटीसी हम लोग लेते हैं उस टाइम भी हम लोग अर्न लीव अप्लाई करते हैं, और उस समय की कंडीशन ये होती है कि आप 10 अर्न लीव एट ए टाइम ले सकते हैं एलटीसी के लिए, ठीक है, और एंटायर सर्विस में आप 60 अर्न लीव ले सकते हैं, ठीक है, एनकैश करा सकते हैं आप उनको ना। और ये ध्यान रखना है आपने कि अर्न लीव की जो एलटीसी के लिए आप इनकैशमेंट करवा रहे हैं उस पे लास्ट के जो 300 दिन हमारे बच रहे हैं ना, यानी कि 300 दिन की जो इनकैशमेंट करानी है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसके अलावा है ये, उसके एक्स्ट्रा है ये, जो ये 300 दिन के अलावा होती है जो आप एलटीसी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ ये कंडीशन होती है कि जब भी आप एलटीसी के लिए अर्न लीव क्लेम करते हैं या लेते हैं तो आपके अकाउंट में उस समय मिनिमम 30 छुट्टियां होनी चाहिए, 30 अर्न लीव होनी चाहिए, ठीक है। अगर 30 से कम होंगी तो आपको जो है ना अर्न लीव नहीं दी जाएगी, ठीक है। लास्ट के जो 10 ईयर्स होते हैं जब आप रिटायर होने वाले होते हैं तो लास्ट के 10 ईयर्स में आपको अर्न लीव के लिए बिल्कुल मना नहीं किया जाता है वीडियो की तरफ से, और ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लो आप, ठीक है, और उसका मकसद यही होता है कि आपकी जो इनकैशमेंट है उसको डिक्रीज करना है, ठीक है, उसको डिक्रीज करना है,
तो ये हम लोग आर्न लीव के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। आर्न लीव को जो है ना, आर्न लीव जो है वो सिक लीव के साथ भी जोड़ सकते हैं आप, हाफ पे लीव के साथ भी जोड़ सकते हैं और मेटर्निटी लीव के साथ भी जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आर्न लीव इन सभी छुट्टियों के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है। आर्न लीव के लिए हम लोग बात कर रहे थे कि जब एक मंथ पूरा कंप्लीट होगा आपका, तभी आर्न लीव उसी रेशो में दी जाएगी जितने आपने महीने आपने काम किया। लेकिन इन द केस ऑफ डेथ, अगर किसी की डेथ मान ली 24 तारीख को जाती है किसी महीने में, उसे पूरे महीने की आर्न लीव दी जाएगी, ये ध्यान रखना है आपने ना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चाइल्ड के लीव, स्टडी लीव और स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ना, ये सारी की सारी जो है हमको 24 मंथ्स की दी जाती है, ठीक है। चाइल्ड केयर लीव के लिए ध्यान रखना है हमें कि चाइल्ड केयर लीव जो है आपको 3 स्पेल में ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही बारी में 24 मंथ्स के लिए ले रहे हैं हम लोग, तो 3 साल के लिए आप लोग, सॉरी 3 स्पेल में ले सकते हैं हम लोग इसको। और मिनिमम जो है चाइल्ड केयर लीव आपको कम से कम 5 दिन की लेनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम लोग स्टडी लीव की। स्टडी लीव 24 मंथ्स की तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि जब भी हम लोग स्टडी लीव पर जाते हैं उस समय आपको इंक्रीमेंट नहीं दी जाती है, उस समय के फाइनेंशियल बेनिफिट आपको नहीं दिए जाते। होता क्या है, जब आप स्टडी लीव से वापस आते हैं तो जितनी भी आपकी इंक्रीमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी दे दी जाती हैं आपको, उस टाइम जोड़ दी जाती है जब आप लोग वापस आते हैं। लेकिन उस टाइम पीरियड का जब भी आप स्टडी लीव पर हैं तो उस टाइम का आपको फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया जाता है, ठीक है। कि मान लिया कि आपको 2 इंक्रीमेंट लगनी थी, लेकिन जब आप 2 साल बाद आ रहे हो तो 2 इंक्रीमेंट तो आपको दी जा रही है, वो आपकी सैलरी में जुड़ जाएंगी, लेकिन 2 साल का जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो आपको नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं हम लोग पेटेंटी लीव की। तो पेटेंटी लीव जो आपको दी जाती है वो 50 डेज की दी जाती है। उसके बाद मेटर्निटी लीव, तो मेटर्निटी लीव जो है 180 डेज की दी जाती है आपको, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग एबॉर्शन और मिसकैरेज की कंडीशन में। एबॉर्शन और मिसकैरेज की कंडीशन में आपको 6 वीक्स की जो है वो आपको लीव दी जाएगी, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और पॉइंट है कि अगर कोई जो भी कंडीशंस होती हैं ये 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रंस के ऊपर होती है, हमें जब भी हम लोग लेते हैं चाहे मेटर्निटी लीव ले रहे हैं चाहे पेटर्निटी लीव ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है कि अगर किसी के 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन है और वो भी लेना चाहती है, वो लेडी लेना चाहती है मिसकैरेज या अबॉर्शन की कंडीशन में लीव लेना चाहती है, तो उसको 45 डेज एंटायर सर्विस में, पूरी सर्विस में 45 डेज ही मिलेंगी उसको, ठीक है। कई बार डिपार्टमेंटल में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है वो कि थ्रेटन्ड अबॉर्शन की कंडीशन में, ठीक है, क्या आप उसको लीव देंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है, इन द केस ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन उसको कोई भी छुट्टी नहीं दी जाएगी उस कंडीशन में, ठीक है ना। आगे बात समझे आपको, तो ये ध्यान रखना है हमें ना इस चीज का। एबॉर्शन एंड मिसकैरेज के लिए जो लीव मिल रही है हमें वो 6 वीक्स की मिल रही है हमें, ध्यान रखना है हमें ना, ठीक है। मेटर्निटी लीव की भी वैसे तो मैंने बात करी कि आप 180 डेज की ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेटर्निटी लीव और ज्यादा जरूरत है, आप और आगे बढ़ाना चाहते हैं मेटर्निटी लीव को, ध्यान रखना है आपने। तो अगर आप कमिटेड लीव लेते हैं साथ में तो 60 डेज और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और अगर और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और कोई और छुट्टी पड़ी हुई आपके पास, लीव ड्यू एंड एडमिसिबल है, तो आप मेटर्निटी लीव को अपने 2 साल तक आगे बढ़ा सकते हैं, 2 साल तक के लिए ले सकते हैं आप उसको ना, ठीक है ना, ठीक है। अगली बात जो हम लोग अभी करी डिस्कस, चाइल्ड केयर लीव की भी डिस्कस करी, तो उस कंडीशन में हमें ध्यान रखना है कि जो आप जिस चाइल्ड के लिए आप लोग छुट्टी ले रहे हैं उसकी उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए, तब आप चाइल्ड केयर लीव ले सकते हैं, ठीक है ना। 18 साल से अगर ऊपर है तो चाइल्ड केयर लीव हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आपके पास कोई छुट्टी नहीं है और आप छुट्टी अवेल करना चाहते हैं तो आप ईओएल भी अप्लाई कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में ध्यान रखना है आपने कि आपको लीव सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। और आप मैक्सिमम 5 साल के लिए, ठीक है, आप ईओएल ले सकते हैं। और ईओएल के दौरान जो है ना कोई भी फाइनेंशियल बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है हमें, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग रिटायर होते हैं तो रिटायर होने के पहले हम लोग को कई चीजें सोचनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके बाद आपने मकान भी बनाना है और चीजें भी करनी है, तो उस टाइम एक और छुट्टी आपको अवेल करने को मिलती है, उसको बोलते हैं लीव प्रेपरेटरी टू रिटायरमेंट, ठीक है। और उसके लिए जो है हमें 300 दिन, उसके लिए हमें जो है 300 दिन की छुट्टियां मिलती है। एक बात और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो छुट्टी लेते हैं मेडिकल ग्राउंड पे, कोई छुट्टी लेते हैं चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज ले रहे हैं या रेगुलर एम्प्लॉयज ले रहे हैं,
तो अगर मेडिकल ग्राउंड पे आप छुट्टी ले रहे हैं और आप मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपने ध्यान रखना अगर 3 दिन तक के लिए आप छुट्टी ले रहे हैं ना मेडिकल ग्राउंड पे, उस कंडीशन पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 3 दिन से अगर ज्यादा ले रहे हैं आप तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट वहां पर प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभी हमने पहले डिस्कस करा था चाइल्ड केयर लीव का बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट जो ले रहे हैं हम लोग चाइल्ड एडॉप्शन लीव ले रहे हैं, ठीक है। आपने अडॉप्ट किया चाइल्ड, उसके लिए आप छुट्टी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है ना 135 डेज की आपको छुट्टी मिलती है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि जो चाइल्ड आपने अडॉप्ट किया उसकी एज जो है 1 साल से कम होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, तब आप चाइल्ड एडॉप्शन लीव को ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही हम हॉस्पिटल लीव ले सकते हैं, जैसे मेडिकल ग्राउंड पे हैं आप, ठीक है, तो उसके लिए हॉस्पिटल लीव अप्लाई कर सकते हैं 3 मंथ्स की, यानी कि जो आपके पास लीव है उस टाइम तो वो अप्लाई कर दीजिए। अगर हॉस्पिटल लीव अगर नहीं है, कुछ एम्प्लॉयज को नहीं मिलती है, लेकिन वैसे ही बता रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग हॉस्पिटल लीव जो है 3 मंथ्स की होती है, ठीक है। नेक्स्ट ले रहे हैं हम लोग कम्यूटेड लीव, ठीक है। कम्यूटेड लीव जो होती है वो मेडिकल ग्राउंड पे जो मिलती है कम्यूटेड लीव होती है, ली जाती है, हाँ। और ये जो डेबिट होगी यानी कि जो माइनस होगी वो HPL से अकाउंट से माइनस होगी, HPL अकाउंट से माइनस होगी और डबल माइनस होगी, जितनी आप छुट्टियां लेंगे, ठीक है ना, उसका डबल माइनस करना है आपने, HPL अकाउंट से माइनस करना है, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद अगर आपके पास HPL अकाउंट भी नहीं बचा है, किसी और प्रकार की छुट्टी भी नहीं है, ठीक है, तो आप लीव नॉट ड्यू, ठीक है, लीव नॉट ड्यू के उसमें जो है आप लीव ले सकते हैं, ठीक है। उसमें कंडीशन ये होती है पूरी सर्विस में, एंटायर सर्विस में आप 360 डेज, ठीक है, 360 डेज जो है ना लीव नॉट ड्यू के रूप में भी आप छुट्टी ले सकते हैं आप लोग ना, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अगर बाय द वे कोई एम्प्लॉय रिजाइन कर देता है, ठीक है, और मान लिया उसके अकाउंट में EL है पड़ी हुई है, तो इनकैश कराएगी कराएगा वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जब भी कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो उसके अकाउंट में जितनी EL होती है उसका हाफ जितनी होगी केवल उतने को इनकैश करा पाएगा वो, ठीक है, और सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम 150 डेज, 150 दिन से ज्यादा वो इनकैश नहीं करा सकते। मान लिया कि उसके 300 दिन है तो 150 दिन ही कराएगा, अगर 240 दिन उनकी अर्न लीव है उसके अकाउंट में तो केवल 120 दिन की उसको इनकैशमेंट मिलेगी, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और इन द कंडीशन ऑफ डिसमिसल, अगर कोई डिसमिस किया जाता है, ठीक है, तो वो किसी भी लीव के लिए कोई क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है, यानी कि उसको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, किसी भी इनकैशमेंट नहीं दी जाएगी। HP गवर्नमेंट में तो HPL का पैसा नहीं मिलता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को EL का पैसा भी मिलता है और HPL का भी मिलता है। EL और HPL दोनों मिला के अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की 300 दिन होती है तो उनको कैश करवा सकता है वो, आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इन द कंडीशन ऑफ सस्पेंशन, अगर कोई व्यक्ति सस्पेंड होता है तो उस कंडीशन में उसको किसी प्रकार की कोई छुट्टी की सैंक्शन नहीं दी जाएगी, किसी प्रकार की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी उसको, ठीक है ना। अगली बात करते हैं हम लोग कंपलसरी रिटायरमेंट, अगर कोई व्यक्ति कंपलसरी रिटायर किया जाता है, ठीक है, तो जितने उसके अकाउंट में उस समय छुट्टियां हैं EL, तो उसको इनकैश वो करा सकता है, ठीक है।